वेरी स्वीट नमस्ते दोस्तों, तो ये तो फिलहाल ट्रायल वीडियो है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ, क्या मैं जो क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, मैं जो बातें मैं बाद में रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस, क्या मैं सीधे लाइव आकर आपसे सीधे इंटरेक्ट करके इन सब वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता हूँ या क्या पढ़ा सकता हूँ कि नहीं। तो आई थिंक ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे लिखने के लिए कुछ और चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा चेहरा भी आता रहे और स्लाइड भी चलती रहे, दोनों काम साथ होने ना। तो अगर देखते हैं इसमें, तो चलो मैं एक बार स्टार्ट करके देख लेता हूँ, ठीक है? चलो एक बार मैं देखता हूँ। वेरी स्वीट नमस्ते एंड वॉम वेलकम दोस्तों, ये ऑफिस मतलब ये हमारे चैनल का नाम होता है, आप जानते हैं कि मतलब आगे हम अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत नमस्ते आपको करते हैं, और आप सभी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो इसीलिए नमस्ते करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद हमें छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होता है किस बारे में, कि हम किस बारे में सेशन ले रहे हैं। लाइक हम 1700 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले रहे हैं। एक्चुअली बात जानते हो क्या है, जब 10 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, तो उसमें पता नहीं क्या मैंने आंकड़ा वकड़ा लगाया था कुछ जोड़ जाड़ के, कि हाँ 1700 क्वेश्चन ओवरऑल मैं कराऊंगा इसमें। तो 10 क्वेश्चन सीरीज में अगर देखो तो 170 वीडियो बन जाते हैं अगर मैं वीडियो बनाऊँ। तो बाद में मैंने सोचा इसको क्यों ना इंक्रीज किया जाए, लेकिन जो नंबर था ना 1700+, मैंने सोचा इसी को लेते हैं। अगर ऑफिशियली देखो, अगर मैं हर क्वेश्चन सीरीज में 30 क्वेश्चन सीरीज में 30 क्वेश्चन लेता हूँ और 60 क्वेश्चन सीरीज जाएगी है 60 तक, तो वैसे ही 1800 क्वेश्चन हो गए, यानी 18 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए बाद में, तो आप उसे सॉल्व कर लोगे, यानी एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यानी ऑफिशियली तो हम 1800 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अनऑफिशियली हम पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? उसका तो कुछ आंकड़ा ही नहीं है, वो तो सारी हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाती है, मतलब कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनती चली जाती है। तो हम हर सेशन में 30 क्वेश्चन लेते हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड रहते हैं, यानी जो इससे पहले पेपर्स हो चुके हैं उन पर हम बातें करते हैं। वैसे एक बुक आती है ना जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, मैंने देखा है उसमें अगर कोई क्वेश्चन समझाए तो उसका केवल 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिए होते हैं। यानी अगर आपके मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको नहीं पूछ सकते उस बुक से पर्टिकुलर, इसलिए मैं सीधे लेकर आता हूं कि मैं सीधे उस कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है, और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा तो आप तुरंत के तुरंत वहां पूछ लेंगे तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो देखो इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें एक स्लाइड की इन्फॉर्मेशन और देनी होती है कि अगर आपने क्या बताना होता मुझे इसमें, मतलब इस तो दिमाग से उतर गया, क्या बताना होता टेलीग्राम के बारे में ना। तो टेलीग्राम को आप हमारे टेलीग्राम चैनल, एक्चुअली आप जाइए टेलीग्राम पे और वहाँ पर अनुराग एजुकेशनल एकेडमी सर्च करिए, वहाँ से आप हमारा चैनल ज्वाइन करिए। चैनल में आई थिंक अभी 218 लोग हैं इस समय, वहाँ से आपको क्या मिलेंगे, अब देखो ये अनऑफिशियली तो फिलहाल आप बोलूंगा तो बढ़िया लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा तो हम आप अच्छे से बात कर पाएंगे। वैसे मुझे मतलब बिल्कुल बहुत ही स्टिक रहना पड़ता होता है, अपनी बातों को बहुत ही मतलब लिमिटेड रखना पड़ता है, कि चूंकि जो वीडियो रिकॉर्ड होता है उसको अपलोड करना होता है। लाइव स्ट्रीमिंग में हम आपसे सीधे बात करेंगे, कमेंट पढ़ूंगा आपके, आप जो कमेंट करेंगे यानी जो आप कहना चाहेंगे वो बातें सीधे मुझ तक पहुँचेंगी, वैसे बाद वाली बात बाद में हो जाती है। तो आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको पावरफुल इंसाइट्स मिल जाएंगे, इंफोग्राफिक्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जैसे मैं ग्रोथ इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इन सब की जो मेरे पास नोट्स हैं ग्रेजुएशन से लेकर अब तक की, तो वो बीच बीच में मैं अपलोड करता रहता हूँ, उस पर मैं सेंड करता रहता हूँ, तो आप तो वो मिल जाएंगे और बहुत कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो हमारी स्टडी को बूस्ट करेगी, हमारी नॉलेज को बूस्ट करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? आपको कुछ जाना नहीं, क्यों वहाँ से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपको इंफोग्राफिक्स बुक्स मिल जाएंगी, बहुत कुछ मतलब हेल्पफुल होगा वो आपके लिए, ठीक है? तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो अब यहाँ मुझे क्या करना पड़ रहा है ना, अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँ तो यहाँ मुझे अभी अब सामने कैमरे के या स्क्रीन पर टच करना होता है। अगर इसके लिए कुछ और भी व्यवस्था हो जहाँ से यानी मैं स्क्रीन को टच किए बगैर यहाँ से अगर उसे ऑपरेट कर पाऊँ, लाइक पेन टैब वगैरह, तो आई थिंक उसके लिए मुझे पेन टैब भी ऑर्डर करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके बिना तो काम होगा नहीं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन, अगर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, अगर मतलब रिकॉर्डिंग चल रही होगी तो शो हो रहा होगा ये, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या, एडम स्मिथ का संबंध किन से है? ऐसे तो इस सीरीज को हम कर चुके हैं, तो एडम स्मिथ का संबंध किससे है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी से, 1776 में आए थे लेकर अपनी थ्योरी, वही वेल्थ ऑफ नेशन एक ठो दो एक ठो किताब लिखे उसी में फेमस हो गया भाई, इकोनॉमिक्स को इन्होंने एक आदमी बनाकर खड़ा कर दिया, कहा आप सब्जेक्ट हो, आप ऐसे वैसे नहीं हो, आप किसी के अधीन नहीं रहोगे, आप पॉलिटिक्स के अंदर दबकर नहीं रह सकते, आप बाहर आइए, तो ये एडम स्मिथ को पिता माना जाने लगा, ठीक है? तो आई थिंक इससे लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी हो जाएगी। वैसे तब तक थोड़ा लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ा समय लूंगा अभी, तब तक मेरे बाल बाल भी सही हो जाए, क्योंकि इस बार लॉकडाउन में
किचन के ऐसे कोई हथियार नहीं बचे हैं, यानी जिनसे काटने वाले, जिसे फल कटता है, कपड़े कटने वाली कैंची, सारे कुछ मेरे बाल पे जो है अप्लाई हो गया। तो बाल मतलब चारों तरफ से बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, 1-1.5 महीने हो गए ना। तो अभी ये बाल धीरे धीरे सही हो रहे हैं, एक बार जब बाल भी सही हो जाएंगे तो भी लाइव स्ट्रीमिंग मजा आएगी। वैसे बाल वाल का इतना मैटर करता नहीं है, लेकिन मैटर तो करता ही है। आप मतलब अच्छे दिखने चाहिए, मतलब आपका जब प्रोफेशनल वे में आप पढ़ाइए ना, तो वो बात अलग होती है। वैसे तो जब मन हो तब तो उठकर आ जाओ, सोकर बैठ जाओ, आओ भाई हम 2-4 क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही इतना प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, अमूमन सबके समझ में नहीं आता। हम आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वैसे समझ लो ब्रह्मास्त्र उठाए बैठे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो वही कम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को वेल मेंटेन रखना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अमूमन लोग नहीं रखना पसंद करते हैं, उनकी बात अलग है, वो दूसरे ग्रह के प्राणी कह लीजिए उनको, ठीक है। अमूमन हमें वेल मेंटेन रहना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वेल मेंटेन रहोगे तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। उसमें मतलब आपका कॉन्फिडेंस गिरने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आई थिंक मतलब मुझे जो लगता है कि हाँ थोड़ा बाल वाल सही हो जाएंगे ना, तो लाइव स्ट्रीमिंग करने में और मज़ा आएगा, ठीक। तो आप क्वेश्चन वगैरह देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे मतलब और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी यहाँ पे, और मशीन्स टेक्नोलॉजी और थोड़ा इम्प्रूव करूँ मैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ ही जाएगी। अभी तो आई थिंक हो सकता है मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ अपने विजनरी ब्लॉग वाले चैनल पे, क्योंकि उस पर वैसे भी कुछ होता नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ अपलोड ही हो जाएगा ये ट्रायल वीडियो, समझ लो इसको लाइव। लेकिन हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग बहुत जल्द हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग लाइव आकर मिलेंगे, वो ज़्यादा रहेगा, बढ़िया, वो बढ़िया ज़्यादा रहेगा, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें मैं क्या होगा, सीधे सीधे बात करूँगा आपसे, जितनी भी बातें होंगी सीधे एक बार हो जाएंगी, बात खत्म, और एक टाइम फिक्स होगा हमारा आपका मिलने का, ठीक है, ऑनलाइन। वैसे तो इस वीडियो में क्या करें, आप हो सकता है ये अच्छा होगा तो मैं इसको विजनरी ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज फिर किसी दिन लाइव सीधे ही आकर मिलेंगे आपसे, ठीक है। वैसे मैं लाइव आने से पहले 2-3 दिन पहले या हफ्ते भर पहले मैं अनाउंसमेंट का नोटिस आ जाएगा आपके पास कि हाँ मैं लाइव आऊँगा, बात करूँगा आपसे, ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो में चलो इसको स्टॉप करते हैं यहीं पर, ठीक है, बाय।